हाय गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत ही टेस्टी घेवर की रेसिपी लाई हूँ। तीज के त्योहार पे बनता है ये। तो हमने एक कटोरा ले लिया है और इस कटोरे में हम एक कटोरा मैदा डालेंगे और ये छोटी कटोरी है तो ये लगभग एक पाव मैदा है। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। और ये हमने पानी लिया है, ये हमारा पानी बिल्कुल चिल्ड है। तो इस घेवर को बनाने के लिए इस तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे, वो भी पहले से बना रहे हैं। बहुत लोग मिक्सर में सारा ग्राइंड करते हैं, तो थोड़ा एक कटोरा और हम पानी लेंगे और इसका बहुत ही पतला पेस्ट बनाना है, बिल्कुल थिक नहीं चाहिए। तो इस तरह से मिक्स कर रहे हैं हम, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके रख देंगे। और देखिए ये इस तरह से बन चुका है। तो इतना पतला हमें पेस्ट चाहिए, तो आप देख सकते हो। इसमें हम डाल रहे हैं चीनी, तो चीनी की हमें चाशनी लेनी है। तो एक गिलास छोटे वाले से हमने पानी ले लिया है, चीनी हमारा एक पाव था, तो ये चाशनी बनने के लिए हमने रख दिया है। और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया और ये एक तार की चाशनी बन चुकी है। तो हम इसे देख रहे हैं और ये बन चुका है चाशनी, तो इसे हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो एक मिक्सर में हम घी ले रहे हैं और घी ले रहे हैं और इसलिए हम मिक्सर में डाल दिए। तो हम कुछ आइस के टुकड़े डालेंगे इसमें, घी के साथ हमें मिक्स करना है। तो देखिए ये किस तरह से हो गया है। और इसमें हम यही पेस्ट डालेंगे जो कि हमने मैदे का बनाया था और इसे ग्राइंड कर लिया हमने। ग्राइंड करने के बाद तो ये बाउल में कटोरे में हमने इसे डाल दिया है। और अब हम अपना घेवर बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो हमने देखिए भगोने में ऑयल ले लिया है और ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अब हम इस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और देखिए घेवर ऐसे ही बनता है। और इसी तरह से हम इसमें डाल के थोड़े रेस्ट करके डालना रहेगा और बीच में होल करते रहना, क्योंकि होल से क्या है कि निकालने में आसानी होगा। थोड़ा थोड़ा डालोगे तो मोटा पेस्ट जो मोटा हो जाता है वो नहीं होगा। और बीच में से हटाते रहना। तो इस तरह से देखिए ये घेवर हमारा बन रहा है। तो अब हम किनारे करके इसे ऐसे बना लेंगे और देखिए कैसे बन रहा है, बहुत ही बढ़िया से। तो इसे हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे पका के, टाइम तो थोड़ा लगता ही है पकने में क्योंकि इसे प्रेस भी करना रहता है। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा हमारा घेवर बन के रेडी हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे और फिर से हम घेवर बनाएंगे। तो देखिए इसे हम निकाल के अलग कर ले रहे हैं, फिर हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे और पेस्ट डाल के इसे हम किनारे करेंगे और इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें अपना पेस्ट। और देखिए ऊपर तक आ जाता है, इसलिए थोड़ा रेस्ट करना रहता है तब डालना रहता है। और इसी तरह के करके हम इसे बनाएंगे। और ये है हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान की फेवरेट मिठाई घेवर, जो कि बहुत ही पसंद आती है वहाँ के लोगों को, क्योंकि मैं वहाँ रह चुकी हूँ। तो ये घेवर भी हमारा रेडी हो गया है, दूसरा भी। तो इसी तरह हम सारा बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम आपको और ग्रीन कलर का बना के दिखा रहे हैं। तो इसमें हमने फूड कलर डाल दिया पेस्ट में और इसका हम घेवर रेडी करेंगे। देखिए इसमें तेल है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डाल रहे हैं उसी तरह, और इसे बीच से हटाएंगे क्योंकि बीच में भर चुका है।
तो इस तरह से हम इसे देखिए बना रहे हैं। तो ये ग्रीन ग्रीन सा लगता है, मेरा तो पसंदीदा कलर भी ग्रीन है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी घेवर हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो हमने पहले से ही राबड़ी बना के रख चुके हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा इलायची, इलायची फ्लेवर के लिए। और घेवर को इस तरह से हमने रख दिया है। इस पे हम चाशनी डालेंगे। और इस बहुत लोग होते हैं चाशनी बना के उसके अंदर डाल के निकाल लेते हैं, पर हम इस तरह से बना रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने देखिए अपना जो वो है खोआ मतलब राबड़ी लगा दे रहे हैं। थोड़ा सा गरी के बुरादे से ग्रेस कर रहे हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो देख रहे हैं आप कितना बढ़िया से बन के हमारा घेवर रेडी हो गया है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।